स्वागत है दोस्तों आपका माय स्टॉक चैनल में। आज हम इंग्लिश पोएट्री फॉर्म के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट को पढ़ेंगे जिसका नाम है इपिक। तो आइए हम सबसे पहले इपिक के डिफिनीशन को देख लेते हैं। इपिक इज अ लॉन्ग नरेटिव पोएम दैट रिलेट्स हीरोइक डीड्स एक्शन ऑफ अ हीरो और स्मॉल नंबर ऑफ हीरोज इन एन एलिवेटेड स्टाइल। ठीक है, तो सबसे पहले हम इपिक के मतलब को समझ लेते हैं। इपिक का अर्थ होता है महाकाव्य, जो कि एक ऐसी लंबी कविता होती है जिसमें किसी महापुरुष के वीरतापूर्वक कार्यों अथवा कई महापुरुषों के महान कार्यों का उच्च शैली एलिवेटेड स्टाइल उच्च शैली में वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो आइए अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इपिक के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। एन इपिक मे डील विद सच वेरियस सब्जेक्ट एज मिथ, हीरोइक लेजेंड्स, हिस्ट्रीज, एडिफाइंग रिलीजियस टेल, एनिमल स्टोरीज और फिलोसफिकल और मोरल थ्योरीज। ठीक है, तो इपिक जो लिखा जाता है उसके कई सारे सब्जेक्ट पे लिखे जाते हैं, जैसे मिथ हो गया मतलब काल्पनिक चीज़ों पे लिखा जाता है या काल्पनिक कहानियों को दर्शाने के लिए लिखा जाता है, लीजेंड्स हिस्ट्री या फिर महापुरुषों के ऐतिहासिक गाथा को दर्शाने के लिए लिखा जाता है, एडिफाइंग रिलीजियस या फिर अपने धर्म की कहानियों को बतलाने के लिए लिखा जाता है, धर्म का प्रचार करने के लिए लिखा जाता है, या फिर एनिमल स्टोरीज जानवरों की कहानियों के भी बतलाया जाता है इपिक के माध्यम से, और फिलोसफिकल और मोरल थ्योरीज। ठीक है, उसके बाद हम एलिमेंट्स ऑफ इपिक को देखते हैं। तो जो इपिक के मुख्य एलिमेंट्स हैं वो मुख्यतः चार हैं। अ लॉन्ग नरेटिव पोएम, पहला तो है लॉन्ग नरेटिव पोएम होना चाहिए। सबलाइम थीम और ऑर्गेनिक यूनिटी। सबलाइम थीम मतलब इसका जो थीम होना चाहिए, इपिक का जो थीम होना चाहिए वो एक उच्च स्तर का होना चाहिए। थर्ड है ऑर्डरली प्रोग्रेस ऑफ एक्शन और स्टेप वाइज इसमें एक्शन को आगे बढ़ाया जाता है, और जो इसका स्टाइल होता है इपिक लिखने का वो ग्रैंड स्टाइल होता है। ग्रैंड स्टाइल का मतलब बहुत ही उच्च स्तर का, और ज़्यादातर इसमें मीटर का और राइमिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है इपिक लिखने में। ज़्यादातर इपिक जो होता है ब्लैंक वर्स में लिखा जाता है। तो आइए हम इपिक के नेक्स्ट हेडिंग को देखते हैं जिसको जो है हिस्ट्री ऑफ इपिक। द मोस्ट एंशियंट इपिक इन द वर्ल्ड इज वाल्मीकि रामायणा इन संस्कृत। ठीक है, वर्ल्ड की जो सबसे जानी मानी इपिक है वो वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायणा है, जो कि संस्कृत में लिखी गई है। इट इज अ सुप्रीम एग्जाम्पल ऑफ इपिक इन द वर्ल्ड लिटरेचर। ये वर्ल्ड लिटरेचर की सबसे जानी मानी एग्जाम्पल है इपिक के मामले में। इट्स हीरो इज रामा, जिसको ये हीरो रामा है। एंड नेक्स्ट वेदव्यास महाभारता इन संस्कृत, और अगली जो इपिक लिखी गई वो महाभारता, जिसको वेदव्यास ने लिखा था संस्कृत में। एंड इट्स हीरो इज पांडवा एंड कृष्णा, जिसके हीरो पांडवा थे और कृष्णा थे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ग्रीस लिटरेचर में भी इपिक लिखा गया है। तो द ग्रेट एंशियंट इपिक इज इलियाड एंड ओडिसी बाय होमर। ग्रीस में जो दो इपिक लिखी गई वो होमर के द्वारा इलियाड और ओडिसी लिखी गई है, जिसमें इलियाड के जो हीरो हैं वो एक्लस हैं, एक्लस, एंड हीरो ऑफ द ओडिसी इज यूलिसिस, और ओडिसी के जो हीरो है वो यूलिसिस हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं लैटिन। ठीक है, इन लैटिन लिटरेचर में भी एक बहुत ही फेमस इपिक लिखा गया है। इन लैटिन लिटरेचर द ग्रेट इपिक इज वर्जिल्स एनिड। लैटिन में वर्जिल ने एक बहुत ही फेमस इपिक लिखा है जिसका नाम है एनिड। ठीक है, ये एनिड जो इपिक लिखा गया है ये होमर के जो दो वर्क हैं इलियाड और ओडिसी, ये दोनों हिस्से से लिखा गया है। ठीक है, जिसको किसने लिखा, वर्जिल ने लिखा है। इट्स हीरो इज एनिस, जिसके हीरो एनिस हैं,
अ मैन ऑफ सुपर ह्यूमन क्वालिटी, जो अ मैन ऑफ सुपर ह्यूमन क्वालिटी से जाने जाते हैं। इंग्लिश इपिक को देख लेते हैं। इन इंग्लिश पोएट्री द अर्लीस्ट इपिक इज बीवुल्फ। इंग्लिश पोएट्री में जो इपिक लिखी गई सबसे पहले वो बीवुल्फ लिखी गई थी, जिसके आथर कौन हैं ये अननोन है। इट इज एन इंग्लिश एलिट्रेटिव इपिक ऑफ द अर्ली 8th century। और ये जो इपिक बीवुल्फ लिखा गया था ये 8th century में लिखा गया और ये सानुप्रास एलिजी माना जाता है। आफ्टर इट ड्यूरिंग द रिनेसांस, इसके बाद रिनेसांस के दौरान एडमंड स्पेंसर एक बहुत ही फेमस आथर आए, कवि आए, जिन्होंने कंपोज किया क्या एक बहुत ही फेमस इपिक फेयरी क्वीन, जो कि 1598 से 96 तक लिखा गया। बट इट इज़ एन एलिगरिकल नेचर, लेकिन ये जो फेयरी क्वीन इपिक थी इसका जो नेचर था वो दो अर्थ ही था, एलिगरिकल मतलब दो अर्थ वाले, ठीक है। उसके बाद जॉन मिल्टन है, कंपोज्ड अ ग्रेट इपिक, उन्होंने एक बहुत ही महान इपिक लिखा जिसका नाम है पैराडाइज लॉस्ट, जो कि 1667 में लिखा गया। एंड उसके बाद एलेक्जेंडर पोप आए, उन्होंने एक इपिक लिखा जो कि रेप ऑफ लॉक जिसका नाम है, जो कि 1712 में लिखी गई। और ये जो एलेक्जेंडर पोप ने इपिक लिखा द रेप ऑफ लॉक, ये एक सेटायर है, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं मोक इपिक। उसके बाद आते हैं अब्राहम कॉले, जिन्होंने लिखा डेविडेस इज आल्सो एन इपिक, ठीक है। अब्राहम कॉले ने ये जो वर्क लिखा डेविडेस, इसको कुछ क्रिटिक्स ने कहा है कि ये इपिक है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं विक्टोरियन एरा में। विक्टोरियन एरा में हमें दो ऑथर मिलते हैं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जिन्होंने लिखा द एडलस ऑफ द किंग, एंड मैथ्यू अर्नॉल्ड जिन्होंने लिखा सोहराबेन रुस्तम 1853 में, ठीक है। फर्दर क्रिटिक्स, उसके बाद कुछ क्रिटिक्स आए जिन्होंने इपिक को, क्रिटिक्स डिवाइडेड इपिक इनटू 3 क्लासेस, जिन्होंने इपिक को 3 भागों में बांट दिया। कहने का मतलब, उसके बाद कुछ क्रिटिक्स आए जिन्होंने इपिक को 3 भागों में बांट दिया, पहला इपिक प्रॉपर, दूसरा इपिक रोमांसेस एंड तीसरा इपिक टेल्स। तो आइए सबसे पहले हम रोमांसेस इपिक को देखते हैं। अ रोमांसेस इपिक इज ऑल्सो अ लॉन्ग नरेटिव पोएम। रोमांसेस इपिक जो होता है ये भी एक लॉन्ग नरेटिव पोएम ही होता है, विच फॉल्स ऑफ शॉर्ट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ इपिक, जिसमें होता क्या है इपिक का कुछ स्टैंडर्ड लो होता है, मतलब ग्रैंड स्टाइल कह सकते हैं कि उसमें नहीं फॉलो किया जाता है, और बिकॉज ऑफ सम लिटिल फॉल्ट, या फिर उसमें कुछ और प्रकार की कमियां होती हैं जिसके कारण वो परफेक्ट इपिक के लिस्ट में नहीं आती, जैसे सच एज एडमंड स्पेंसर। जैसे एडमंड स्पेंसर ने लिखा फेरी क्वीन, जो कि 1596 में लिखी गई, ये भी परफेक्ट इपिक के लिस्ट में नहीं आती है क्योंकि ये इसका जो नेचर है एलिगरिकल नेचर है, ठीक है। उसके बाद एंड सर वॉल्टर स्कॉट, सर वॉल्टर स्कॉट आते हैं जिन्होंने लिखा लेडी ऑफ द लॉस्ट मिंस्ट्रल 1805, जिन्होंने लिखा लेडी ऑफ द लॉस्ट मिंस्ट्रल 1805 में, ये भी परफेक्ट इपिक के लिस्ट में नहीं आती है इसलिए इसे रोमांस इपिक कहते हैं। उसके बाद मर्मियन आता है जो कि 1808 में, एंड लेडी ऑफ द लेक जो 1810 में, एंड लॉर्ड ऑफ द इसल्स जो कि 1815 में। ये जितना भी इपिक है ये सर वॉल्टर स्कॉट के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट राइटर को देखते हैं, लॉर्ड बायरन। बायरन ने लिखा कर्सर जो कि 1814 में लिखा गया, एंड एम मुरेस लल्ला रुख जो कि 1817 में लिखा गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इपिकल टेल। इपिकल टेल, तो इपिकल टेल्स में सबसे पहले हमारे आते हैं जियोफ्री चौसर, जिन्होंने एक बहुत ही फेमस इपिक लिखा था जिसका नाम है कैंटरबरी टेल्स, जो कि 1837 में लिखा गया, एक बहुत ही फेमस इपिक माना जाता है, इपिकल टेल्स माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखा गया माइकल, जो कि 1800 में लिखा गया,
ये भी इपिकल टेल्स है। उसके बाद लॉर्ड बायरन ने लिखा है मजप्पा, जो कि 1819 में लिखा गया है। उसके बाद हमारे जॉन कीट्स आते हैं, जिन्होंने लिखा है लेमिया 1819 में, एंड इजाबेला 1820 में। ये जॉन कीट्स के दो इपिक वर्क माने जाते हैं, वो भी कौन सा इपिक? इपिकल टेल्स, ठीक है। उसके बाद अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन आते हैं, जिन्होंने क्या लिखा? इनोच आर्डन लिखा 1864 में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा इपिक ख़त्म होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मोक इपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।